हेलो गाइस, मेरा नाम सचिन। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं हाउस फ्लिपर। ये मेरा सेकंड गेम प्ले है। फर्स्ट गेम प्ले हमने कुछ मिशंस किए थे, कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, और तो आज हम उन्हीं पैसों को हमने जो हमें रूम मिला है, हमें घर मिला है, हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे तरह से डेकोरेट करेंगे। सब कुछ पुरानी चीज़ें हैं जिनको सबको सेल करके हम कुछ नई चीज़ लेंगे और हम अपने घर को डेकोरेट करेंगे, फिर हम उसे आसानी से सेल कर सकते हैं। तो गाइस, इसे में हमारा एक पहले से हमें हाउस मिलेगा जो हमें खुद का हाउस होगा, और एक हम दूसरा हमें हाउस पैसे इकट्ठे करके हमें खरीदना होगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं नई वीडियो के साथ। तो गाइज, मेरे पास अभी 19,066 रुपये है और 52 मेरे पास कॉइन है। तो गाइज, आप सोच रहे हैं कि ये सब ऐसे कैसे हो गया, इतना जो हमने रेड कलर कर रखा है, वाइट कलर कर रखा है। तो गाइज, मैंने कुछ ऑफलाइन खेला था, इसलिए ये सब कुछ मैंने जो पुराना सामान था उसे सेल करके हमने सब कुछ नया लगा दिया है। तो गाइज, जो भी हमें पुराना सामान जैसे बाथरूम में जो भी है, हम सब सेल करके हम फिर से इसे नया कर देंगे, बिल्कुल अलग तरह से रेनोवेट करके हम इसे सेल करेंगे। तो गाइज, मैं अभी स्कैनर ले लेता हूँ और मैं जाता हूँ अपने बाथरूम में, टॉयलेट वगैरह, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मैं सब कुछ सेल करके यहाँ सब कुछ नया लगाने वाला। तो चलिए गाइज, हम टॉयलेट को भेज देते हैं। अब ये वॉशिंग मशीन है, इसको भी हम सेल कर देते हैं, भेज देते हैं। ये हमारे पास ये डस्टबिन पड़ा है, इसको भी हम भेज देते हैं। हमारे पास ये टब पड़ा है छोटा सा, इसे भी हम भेज देते हैं। ये मिरर लगा है, इसे भी हम सेल कर देते हैं। ऊपर जो क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको हम सेल कर देते हैं। सिंक भी हम बेच देते हैं, और बाकी सब कुछ ये जो रेडिएटर लगाना है इसको भी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं बेचना। तो गाइस, जो हमने सिंक बेचा था वह हमें वापस से लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम चलते हैं अपने स्टोर में और बाथरूम में चलते। बाथरूम कहाँ गया, ऊपर मिलेगा DCB, ये रहा हमारा बाथरूम। हम बाथरूम पर क्लिक करते हैं, हम सिंक ढूंढते हैं नीचे 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 मिला था, मैंने देखा था हमारा सिंक, जो हमने नया यहाँ पर नया सिंक लगाए हैं बिल्कुल ही। तो सिंक कहाँ गया, सिंक कहाँ गया, नीचे कैसे ये मिल गया गाइज। तो यहाँ पर हम सिंक लगा देते, जो हमने सेल किया था वापस से, यहाँ पर इस साइड में लगा देते हैं सिंक। ये हमारा सिंक लग चुका है। अब हमने टॉयलेट भी सेल किया था, तो हमारा टॉयलेट अनलॉक है, हम टॉयलेट लगा सकते हैं। तो गाइज, इसमें सब चीज़ें लॉक है, हमें खोलनी पड़ेगी, अनलॉक करनी पड़ेगी सब चीज़। तो हम टॉयलेट को लगाते हैं, और हम ब्लैक कलर का लगाएं, जो मुझे ब्लैक बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें देखा था मैंने ब्लैक कलर का, ये रहा ब्लैक, हम ब्लैक यहाँ पर लगा देते हैं। तो गाइज, ये लगा के साइड में थोड़ा सा लगाते हैं यहाँ पर, और अब हम चलते हैं बाहर। बाहर जाके जो बीच में पट्टी छोड़ रखी है हमने वाइट कलर की, तो इसे हम वाइट कलर परचेज करते हैं। और ये वाइटनेस नाम से आ रहा है, तो इसमें हम रोलर लेके हम यहाँ पर वापस लगा देते हैं ये कलर, तो अच्छा लगेगा अभी, क्योंकि बीच में वैसे गंदा सा लग रहा था। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि कैसा लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं और हम अंदर जाके, हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन ज़्यादा सामान होता तो अच्छा लगता। अब हम चलते हैं अपने स्टोर में वापस, और हम देखते हैं डोर, इंटीरियर डोर्स देखते हैं कैसा, ये वाला ठीक लग रहा है, ये बाय करते हैं। और ये हम यहाँ पर लगाते हैं, ब्लैक कलर का ठीक लगेगा, हम ब्लैक कलर का लगाते हैं, हाँ ये। और ये हम यहाँ पर इसे सेट कर देते हैं, मैंने अब, हाँ अब सेट हो, अरे यार नहीं हो रहा, हाँ अभी सेट हो गया। अब यहाँ पर इसे लगा देते हैं, हमारे 1000 रुपये माइनस भी हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन खेला था, और उसमें मैंने देखा था कि हम कॉइन को हमें पैसे में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम बाहर चलते हैं, जो ये कलर पड़ा है इसे हम पहले सेल कर देते हैं, और फिर हम टैबलेट पर क्लिक करके हम अपना मनी इसको वो करेंगे, एक्सचेंज करेंगे मनी। तो चलिए, इसमें हमारे पास कितने कॉइन है, हमारे पास 52 है ना, तो हम 50 को ही एक्सचेंज कर लेते हैं, छोड़ो सभी को एक्सचेंज कर देते हैं, 26,000 मिल जाएंगे। तो अभी 43,000 हो गए, मतलब उसके लगभग हो गए हैं। तो अब चलते हैं हमारे टैबलेट में, हम जो हमने घर देखा था, जो हमने हाउस देखा था, हम देखते हैं कौन सा अच्छा है। तो हमने जो 49 का देखा था, ये रहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं ना अभी, तो हमें कुछ मिशंस करने पड़ेंगे। मैं मिलता हूँ आपको थोड़े से मिशन करने के बाद, अच्छा सा मिशन देख के जिसमें अच्छे पैसे मिल रहे हो, तो मैं कुछ मिशंस करके आपको उसके बाद में मिलता हूँ। देख लेता हूँ, अच्छा सा मिशन देख लेता हूँ, ये ठीक है लग रहा है मेरे को, ये दे रहा है 11,000 रुपये दे रहा है मेरे को। तो
तो मैं ये कंप्लीट करके आपको इसके बाद में मिलता हूँ गाइस। तो चलिए इसके बाद में आपके पास मिलता हूँ आपको। मैं मिशन कंप्लीट करके आ गया हूँ, तो मेरे पास अभी 58,000 हो चुके हैं। तो अभी मेरे पास पैसा ठीक ठाक है जिसे मैं रेनोवेट भी कर सकता हूँ और बाय भी कर सकता हूँ। तो चलिएगा चलते हैं वापस वहीं पर जहाँ पर हमारा हाउस दिखा रहा था, वो रियल इस्टेट एजेंसी में, और 49,000 में मिल रहा है मेरे को। तो चलिएगा मैं क्लिक करता हूँ बाय पे और मैं ये घर बाय कर लेता हूँ जिसे हम रेनोवेट करेंगे। बाय द हाउस भाई, बाय हो जा। हाँ हो गया मेरे पास, और कंटिन्यू। हमारे पास एक कॉइन भी मिला हमें, तो परचेज, तो हमारे माइनस भी हो चुके 49,000 कुछ ऊपर थे वो। तो गाइज हम कुछ ही सेकंड में हमारे नए हाउस में पहुंचने वाले हैं। तो ये गाइज हम अपने नए हाउस में पहुंच गए हैं। तो मेरे पास अभी रुपए बचे 8,573 रुपए और एक कॉइन, जो कि एक कॉइन है जिसे हमें एक्सचेंज कर लेते ना, मैंने तो हमारे पास पैसे कम हो गए हैं। तो गाइज हमारे नए घर को हम फुली रेनोवेट करने वाले हैं, जो सब कुछ पुरानी चीज़ें वो सब कुछ सेल करके हम नई चीज़ें लगा देंगे। तो ये जो कचरा पड़ा है मैं पहले उठा लेता हूँ यहाँ से, और पीछे जाते सब कचरा मैं यहाँ से साफ़ कर दूँ, जो भी ट्रैश पड़ा है, जो भी कचरा मैं सब साफ कर दूँ, जो भी मिट्टी लगी है, धूल मिट्टी सब उठा दूँ यहाँ से बिल्कुल क्लियर करके, और मैं एक नया कलर करूँगा, पूरी नई चीज़ टाइल लगाऊँगा नई, और पूरा कलर करूँगा पूरे हाउस में। तो ये थोड़ा सा ये गंदी डर्ट लगी है, गंदा सा लगा कुछ, ये हटा देते हैं यहाँ से, और जितना कचरा था मैंने ये सब साफ़ कर दिया। तो वो यह डर्ट ही और लगी है, डर्ट मिट्टी, तो ये मिट्टी यहाँ से मैं साफ़ कर देता हूँ, लेके हाथ में मोप, क्या मोप है ये, इसको मैं लेके हाथ में इसको साफ़ कर देता हूँ। तो उधर चलते हैं कुछ, ये यहाँ पर और लगी है मिट्टी, तो ये भी हम साफ़ कर देते हैं। लिविंग रूम तो साफ़ हो चुका है, अब चलते हैं हमारे हम किचन में जहाँ पर भी कुछ कचरा पड़ा है, शायद ये पड़ा, ये बोतल सब मैं उठा दूँ, कोल्ड ड्रिंक पी पी के फेंक रखे सालों ने, और ये इधर पिज्ज़ा पड़ा, ये पिज्ज़ा भी उठा के देते, पिज्ज़ा के डब्बे, वैसे पिज्ज़ा तो नहीं है लेकिन पिज्ज़ा के डब्बे, अब बाहर चलते हैं। तो गाइज अब मैं पेंट करने वाला हूँ पूरी दीवारों पर, अलग अलग पेंट करूँगा जो हमें अच्छा लगेगा। तो पहले मैं चलता हूँ पेंट पर, क्लिक करता हूँ रोलर लेके, और मैं वाइटनेस करके कुछ, ये अच्छा लगता है ये पेंट, तो इसमें बाय करता हूँ एक बाल्टी और पहले करके देखेंगे कैसा लग रहा है। तो इधर मैं टॉयलेट की तरफ करूँगा, यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा लगेगा क्योंकि पुरानी सी दीवार है ये। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखता हूँ साइड में, एक साइड में एक ही है, ये भी अब बीच में पेंट में आ गया। तो चलिए वापस भरते हैं इसे और इस पर क्लिक करता हूँ वापस, ये हो गया। अब हमारा कितना अच्छा लग रहा है यार। तो अब हम चलते हैं उस साइड में, तो यहाँ पर भी देखता हूँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, यहाँ अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर करके देख लेते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये ठीक लग रहा है, बाकी बुरा नहीं लग रहा। तो हम वापस इसे पे लगा के देखते हैं, वो अच्छा लग रहा है यार, वो एक साइड में पूरा वाइट होगा और दूसरी साइड में कुछ लाल या नीला कुछ ऐसे होगा ना, तो अच्छा लगेगा। ये फिर से पेंट मांग गया, तो मैं इसमें फिर से भरता हूँ इसे पेंट में, और मैं इसे ये पूरी मतलब दीवार कलर हो गई उस साइड से, वहाँ से पूरी यहाँ तक। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ अच्छा लगेगा कि अच्छा लगेगा, वैसे करके देखता हूँ। तो यहाँ भी हाँ ठीक लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो ये पीछे बीच में हरे हरे पड़े हैं ऐसे फूल और ये पौधे पड़े हैं, तो अच्छा लग रहा है, तो बुरा नहीं लग रहा था। तो हम चलते हैं फिर से डोर अलग रहते हैं, ये बुरा लग रहा है, बहुत ही गंदा सा ये वाला, देखते हैं। चलो बाथरूम में चलते हैं, बाथरूम में कुछ है नहीं, तो मैं सब कुछ बिल्कुल नया लगाऊंगा, डोर वगैरह सब कुछ। तो पहले हम कलर करेंगे फिर हम डोर लगाएंगे। तो कलर देखता हूँ कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मैं देखता हूँ मेरे को नीले कलर का या लाल कलर अच्छा लगेगा, नीले के सफ़ेद के ऊपर मैं देखता हूँ, लाल कहीं मिल रहा है। ये स्ट्रॉबेरी कलर, ये कुछ ठीक सा लग रहा है, इसे बाय करते हैं, लगा के देखते हैं इसे। ये लाल है बेसिकली, स्ट्रॉबेरी जैसा सही है, लाल रंग है, लेकिन भाई ये ठीक लग रहा है यार, सफ़ेद और लाल अच्छे लग रहे हैं। जैसे मेरे रूम में था ना, मेरे ऑफिस में जो मुझे नया मिला था, उसमें लगा था वैसा ही कलर हो रखा है। तो ये शीशा ना अच्छा लग रहा है, जो ये मिरर लगा ना हमारा, ये भी अच्छा लग रहा है, इसका जो लाल कलर की दीवार है और ऊपर मिरर लगा है, तो ये ठीक लग रहा है। तो हम जहाँ पर भी नीला कलर रखा है वहाँ पर हम लाल कर देंगे, तो अच्छा लगेगा, रूम बढ़िया लगेगा, बढ़िया फील आएगा कि हाँ रूम है, अच्छा घर है। तो हम कलर कर देते हैं पूरी दीवार ये, तो मैं मिलता हूँ कलर करने के बाद आपको। तो गाइस कलर सब जगह हो गया, किचन में, लिविंग रूम में, हर जगह हमने लाल कलर कर दिया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
तो गाइस अब हम मॉप को इसको रोलर को छोड़ते हैं और हम चलते हैं विंडो क्लीन करने, जो कि लिखा होने चाहिए हमें टास्क मिल चुका है। हम विंडो क्लीन करेंगे, ये सोफ़ा वोफा सब बदलेंगे, तो हम चलते हैं विंडो क्लीन कर देते हैं। तो गाइस विंडो हमारी क्लीन हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं क्या अच्छा लग रहा है घर। गाइस अभी थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छा वाइब आने लगी है, तो हम सब कुछ एक्सचेंज करेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये है बिग रूम क्लीन विंडो, तो हमने विंडो क्लीन कर दिया है, लेकिन अभी भी तीन और बची हैं, तीन दिखा रहे हैं। हाँ, ये किचन में जो ये मतलब किचन में ही आता है ये बिग रूम जो है, ये भी हम विंडो क्लीन कर देते हैं सारी की सारी। तो गाइस ये विंडो भी हमारी क्लीन हो चुकी है, थोड़ी सी बची है मैं कर देता हूँ, ये थोड़ी सी हो गई, ये भी हमारी क्लीन हो गई। तो गाइस अब हम चलते हैं बाथरूम में, जो बाथरूम में बोला टेक ट्रैक्स कचरा पड़ा है वो हमें जाके उठाना है। तो कचरा कहाँ पर है, कहाँ पर ये दिख तो नहीं रहा। हाँ, ये जो फूटा हुआ ना, इसके नीचे कुछ सीमेंट्स पड़ी है जो हमें उठानी है। तो हमें क्लीन डट बोला डल, भाई मैं दो बार बता चुका हूँ डट नहीं है, पानी है। तो ये हमने साफ़ कर दिया। अब ये प्लास्टर दे वॉल, जहाँ पर वॉल टूटी है, दो जगह टूटी है, हम वहाँ पर हमें प्लास्टर लगाना है। प्लास्टर हमने बाइक कर लिया है, अब हम एक जगह है यहाँ पर पहले प्लास्टर लगा देते हैं एक, और दूसरा कहाँ पर भाई, दूसरा नहीं दिख रहा, ये मिल गया, दूसरा भी मिल गया। हम पहले प्लास्टर हमारे इस पर लगाते हैं, और हम यहाँ पर दीवार पर प्लास्टर लगा देते हैं। ये प्लास्टर हमारा लग गया, तो अब रेडी दिखा रहे हैं, लेकिन रेडी अभी हुआ नहीं है, जहाँ पर बिल्कुल कलर कर देंगे जब हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। तो गाइस ये सब कुछ करने के बाद हमारा घर थोड़ा सा मतलब अच्छा लग रहा है, अभी तक अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हम जो ये कचरा पड़ा है ये सब बेच के हम सब कुछ नया लगाएंगे। तो ये जो स्कैनर लेके ये जो हमने कलर परचेज किया था, ये मैं सेल कर देता हूँ, जो भी 3000 बाल्टियाँ हैं ये मैं सेल कर देता हूँ। ये सेल एक और बची है भाई, ये भी हो गई, भी हो गई। तो चलिए गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है, मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय।